तो अभी नहाने गया था, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ है। नहा धोवा के फ्रेश होकर फिर चलेंगे कहीं घूमने, जो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कल लो दोस्तों, जो दवा खाया था बुखार का, अजीब टाइप का असर हुआ, पता ना ठंड लग के ना। अब मच्छर तो खैर नहीं काटते ठंड में, तो ओढ़ के सोते हैं, लेकिन अजीब सी ठंड लग के बुखार आया, और मेरे को भी भाभी को। तो चलिए अभी तो आराम है फिलहाल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा धूप उगेगा तभी नहाऊँगा, नहीं तो कल ही बुखार हुआ था, अभी सुबह सुबह नहा लूँगा तो कहीं फिर असर हो ना जाए दोबारा, तो दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा और धूप उगता है उसे अपन नहा के और फिर चलने का। अभी देख सकते हैं कौन सी पार्क मिला है, चलिए यहाँ 10 मिनट थोड़ा बैठता हूँ। भाई तो नहीं मिला अभी, आप देखते हैं। चले अच्छा, देख सकते हैं पानी दुकान पे आ गया, चले दवा ले लेते हैं। देख सकते अभी चलते चलते कहाँ पहुँचे, इतना सुंदर नर्सरी है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूँ अपने चैनल विजय विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए, एक दो दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखिए। देख सकते हैं अभी दोस्तों मेरे कमरे का लुक। तो चलिए बाहर चलते हैं, धूप तेज हो गया भैया आगे, हम फिर चलेंगे दूसरे साइड। मेरी कमरा लॉक कर दिया, ये देखिए सीताफल का कैसे हरा हुआ है, कितना सारा फरहरी लगा, अभी कितना ऊपर फरा है। अभी भाभी क्या करें देखता हूँ, उसके बाद चलेंगे अभी साइड पे। एक बज गया है दोस्तों, और टाइम एक बज रहा है। चलिए अभी चलते हैं, बहुत जगह का आपका सैर कराएंगे जो आप लोग को अच्छा लगे। और थोड़ा ना बुखार आ गया है हम दोनों को, मेरे को भी और बड़ी भाभी को भी, तो दवा भी लेके आनी है। चलिए अभी चलते हैं, दवाखाना का दुकान किधर है ढूँढेंगे। चलिए आ गए अभी फाइनली गेट पर। इधर देख सकते कितना सुंदर अमरूद का पेड़ लगा है बाउंड्री के अंदर। चल अभी ना गांधी जी के पास कोई मेहमान आया है, जो रियल लाइफ ब्लॉग से दिखेगा आपको। बहुत खुश हो रही थी कि हमसे भी कोई मिलने आया है, और मेरे बारे में पूछ रहे थे, ना गांधी जी कॉल करी थी तो बोली कि वो तो गए हैं काम जॉब करने। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सुनील भैया जॉब जल्दी करिए, वो सब करूँगा दोस्तों, आपको दिखेगा। मैं घूमने नहीं आया हूँ, जॉब करने आया हूँ, और अच्छा सा जॉब ढूंढ के यहीं पे बसेंगे हम लोग भी कुछ दिन के लिए। और जो आप लोग को इतना अच्छा लगेगा और हम लोग से मिलने भी आप लोग आएंगे मुझे पता है, तो पहले अभी मेरे को जॉब ढूंढ लेने दीजिए, उसके बाद बस ले दीजिए, फिर ना गांधी जी को और अपने बच्चों को भी यहीं बुलाऊंगा। फाइनली आ गया मैं अपने दुकान पर, दवा ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे करेंगे, जो आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगे दोस्तों, ऐसे सब कुछ बनाए रहिए। देख सकते हैं फाइनली दुकान पर आ गए, चलिए दवा ले लेते हैं, दवा ले लिए, उसके बाद शाम को दवा खाएंगे। बोले खाना खाइएगा, एक थोड़ा था ना तो भैया दिए थे अपने, वो पहले से दर्द उखड़ कर रखे थे, लेकिन उससे आराम नहीं है, इसीलिए मैं दूसरा थोड़ा दिखा के लिए, अच्छा किया कि नहीं। दवा खा लिए यहाँ से पानी लेके, क्योंकि वो लोग बोले कि एक थोड़ा खा लो अभी आराम बुझाएगा, दवा शाम को एक खाना खाने के बाद खाना हल्का वाला। चलते चलते कौन सी जगह पहुँच गया दोस्तों, कितना अच्छा जगह। चलिए मैं थोड़ा पार्क ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा मन फ्रेश होगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। चलिए मैं देखता हूँ ढूंढ पाता हूँ कि नहीं। अभी देख सकते हैं कौन सी पार्क मिला है, चलिए यहाँ 10 मिनट थोड़ा बैठता हूँ, मन और फरहर होगा। देख सकते हैं चारों बगल पेड़ पौधा, अच्छा सुगंध ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि ना अभी आया हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग अभी मत कहिए कि तुरंत जॉब करिए, मैं थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करके मन लगा लेता हूँ, उसके बाद जॉब करूँगा। आज जो आप लोग को बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, अब मैं तो चाह रहा हूँ कि अच्छे से नौकरी मिल जाए कोई, तो अपने बच्चों को भी बुला लूँ। चलिए अभी थोड़ा पार्क के अंदर चलते हैं, पार्क में बैठे हैं मैं तो, कितना अच्छा रहेगा, अब वो बहुत जल्द होगा दोस्तों, मैं तो एकदम कोशिश में हूँ। चलिए अभी चलते हैं, 10-15 मिनट बैठ लिया और भी जगह का। अभी नगांती जी से बात किया दोस्तों, कह रही हैं मैं भी अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, चलिए अभी कुछ ही देर में आपके पास पहुँचेगा। जितना अभी सपोर्ट अभी मेरे चैनल को किए वैसे ही उस चैनल को भी करिए,
बहुत बहुत एहसान होगा आप लोगों का। चलिए अभी और आगे चलते हैं। अभी देख सकते दोस्तों कितना सुंदर जगह आया हूँ। आप लोग यहाँ जो हैं तो देखे ही होंगे, ताकि और भी हमारे बहुत दूर दूर से लोग हैं उनको और अच्छा लग रहा होगा। पता ना उसमें जाना उचित है कि नहीं, दर्शन दुकान है लेकिन ऐसी दिखा रहा हूँ जो आप लोग बिल्कुल। और देख सकते अभी चलते चलते कहाँ पहुँच गए, कितना सुंदर नर्सरी है, मस्त जगह है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। नगांती जी तो देख कर रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, मेरे को कब घुमाइएगा, और कल जो मेला जाना है तो दिखेगा ही आप। और दोस्तों आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि केवल ब्लॉग के भरोसे मत रहिए, बहुत जल्द दोस्तों हो जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। भैया बोल दिया कि ठीक है सब घूम के उसके बाद आप जॉब करो, जो काम आपको पसंद आया वो करना, साइड पर पहले चलो। लेकिन आज नहीं जा पाए क्योंकि ना वो बुखार के वजह से, भाभी को भी अचानक इतना ठंड लग के तबीयत ख़राब होने लगा तो दवा ले आया वहाँ से। अभी जो दवा मैं अपने लिए लिया भाभी का तो सही हो गया थोड़ा, मेरे को ऐसे परेशानी हो गया, पानी चेंज हुआ है ना तो इसके वजह से ये असर कर रहा है। चलिए धीरे धीरे अभी पूरा स्वस्थ हो जाएंगे, घुल मिल जाएगा ना, अभी यहाँ का हवा पानी तो एकदम अभी भी सही है। अभी देखिए एक खुराक खाया दवा, फ्रेश हो गया दिमाग। चलिए अभी दो तीन खुराक लिया हूँ, अगर वो दवा सही रहता है तो एक दो दिन चला दूँगा ना पूरा दिमाग। अभी देख सकते हैं दोस्तों कौन से रास्ता पकड़ा हूँ, ये पता मेरे को इतना तो पता नहीं कि ये सब कौन सी जगह, आप लोग कमेंट भी पूछ रहे थे कौन सी खंड में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे को सब जानकारी हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्लॉग द्वारा ही बताऊंगा, नहीं तो कमेंट में जब भी जवाब दूंगा, क्योंकि मैं जवाब देना भारी पड़ रहा है कि आप लोग का कमेंट का कैसा जवाब दूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर लुक है, कितना बढ़िया सोसाइटी है, देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर बढ़िया कोई सोसाइटी है। चलिए अभी चलता हूँ अपने कमरे पर, कितना ये कौन चीज़ का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हैं अभी कितना ज़बरदस्त मस्त लग रहा है, पता ना क्या चीज़ का पेड़ है, कमेंट में बताइएगा। अभी थोड़ा सब्जी ले लेते हैं क्योंकि शाम को बनाने के लिए दिक्कत ना हो, भैया बोले तो सब्जी ले आना, सब्जी ले लेते हैं। अभी ना भाभी से पूछ लिया क्या क्या सब्जी चाहिए, मोबाइल भी रिचार्ज ख़त्म हो गया दोस्तों, कल नगांती जी का रिचार्ज कराया था, आज मेरा ख़त्म हो गया, रिचार्ज रहेगा तभी आप लोग पास ब्लॉग भेज पाएंगे। फाइनली मेरा भी मोबाइल रिचार्ज हो गया, चलिए अभी चलते हैं सब्जी लेकर ना, फिर चलेंगे घर पे बाकी। चलिए अभी देखिए भैया के पास पहुँच गया सब्जी लेने के लिए, कितना हरा भरा सब्जी रखे हैं। चलिए जो भाभी बोली थी ना वो सब्जी मैं ले लेता हूँ, फिर कमरे पे चल के दिखाएंगे क्या क्या सब्जी लिए। फाइनली अभी सब्जी वब्जी ले लिया है, चलिए अब चलते हैं, भाभी इंतजार करेंगी उसके बाद क्या का टेस्टी टेस्टी खाना बनेगा शाम को, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसी अपना आशीर्वाद कमेंट द्वारा और व्यू द्वारा बनाए रहिए। अभी फाइनली सब्जी ले लिया हूँ, कर रहा हूँ अपने रूम पे, ये देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, देखते ही ना मेरे को अजीब सी लग जा रहा दोस्तों कि इतने अच्छे से वहाँ रह रहे थे, लेकिन संघर्ष करेंगे दोस्तों तभी हमारे बच्चे और हमारे फैमिली और परिवार खुश रहेगा, जो आप लोग को एकदम बिल्कुल अच्छा लगेगा कि सुनील हिम्मत हारा नहीं तबीयत खराब होने के बाद पे, कुछ ना कुछ किया। आज जो सबसे ज़्यादा तो आप लोग का इसका वो जाता है क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाना, रंग लाया कि आया फिर से मैं जॉब करने काम करने, जो बहुत कुछ आप लोगों करके दिखाऊंगा। चलिए आप ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, बस इतना रिक्वेस्ट है। चलिए मेरा गेट आ गया, अभी चलता हूँ। देख सकते अभी गार्ड साहब बैठे हैं, चलिए मैं अभी आ गया फाइनल अपनी साइड में, इधर देख सकते हैं। चलते हैं फिर शाम को क्या क्या बनाएंगे खाना, भाभी बोल रहे कि थोड़ा रेसिपी बनाऊंगा आज, मेरे हाथों का दिखाइएगा जो आपके YouTube फैमिली को बहुत अच्छा लगता है, आज भाभी के हाथों का रेसिपी आपको दिखेगा क्या बनाएंगी। चलिए अभी भाभी इंतजार कर रही है, देख सकते हैं अभी भाई भाभी खाना बनाने की अभी से तैयारी कर दी, भाभी कितना सब फैला हुआ है, क्योंकि आज कुछ अलग ही स्पेशल डिश बनने वाला है। आपने ना नगांती जी का हाथों का खाना तो देखे होंगे, लेकिन आज हमारे बड़ी भाभी के हाथों का खाना देखेंगे,
जो आप लोग ना मजबूर हो जाएंगे खाना बनाने पे वैसा। तो अभी भाई सब तैयारी कर रही हैं, तो चलिए अभी ये सब तैयार हो जाए तो उसके बाद क्या बनाएंगे वो सब बताएंगे आपको। शाम हो गया है, अभी चल रहे हैं थोड़ा। अच्छा मेरे को आज ना बिल्कुल आप लोग एक आदमी के कमेंट से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाभी के बारे में आपने बता दिया। भाभी मेरी माँ है, अब माँ का ना लेके आ रही है। ए भाभी ये गलत बात है, और आप लोग ना ऐसा कमेंट बिल्कुल मत करिए जो पाल पोस के ना बचपन में जो गरीबी था हमारे मम्मी पापा के पास, इन्होंने कितना हेल्प किया, ये तो कुछ भी नहीं इनके। आप ऐसा कमेंट ना करिए, बस खाली इंजॉय करिए कि इस ब्लॉग को आप लोग आगे बढ़ाएं जितना भी हम लोग कोशिश करें आप लोग ले। चलिए अभी तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो हमारे गार्ड साहब हैं शुरू से इस कंपनी में है, पूर्वांचल कंपनी में, और बहुत हैप्पी अपने जीवन में। अभी चलिए चलते हैं, पानी जो भाभी भरी है ना उसको ले जाकर। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों, अभी छोटे से लेके अभी तक कितना कुछ किया, अभी भी कितना कर रही हैं हम लोग के लिए। हमें बस जाए इस लखनऊ शहर में, और नागांती जी भी आए और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें। तो प्लीज़ एक बार और कह रहा हूँ कि आप ऐसा कमेंट ना करें। इधर देख सकते हैं भाभी कैसे आटा सान रही हैं, और बाकी ना इधर देख सकते हैं अभी भर के पकाएंगे दोस्तों। आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताइएगा। मटर और आलू धानी पत्ते सब एकदम टेस्टी टेस्टी आज बनने वाला। भैया देखे ना खुश हो जाएंगे, भैया तरस जाएंगे कि बाप रे बाप, अकेले तो इतना बना नहीं पाते हैं भैया, लेकिन आज अभी हम मैं और भाभी मिल के सब बनाएंगे। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं हम और भाभी माँ उत्सव देखने। ये देखिए आ रही, अब भैया अभी तो 8 बजे आएंगे, 8 बजे उनका ड्यूटी ख़त्म होता है। भैया बोले कि ठीक है जाओ भाभी घुमा के लाओ। चलिए अभी चलते हैं। आ इसके पहले वाला ब्लॉग में आप लोग को बहुत अच्छा लगा, अच्छा सा सॉन्ग गाएंगी वो, तो थोड़ा बहुत शूट करूँगा जो आप लोग को बिल्कुल पसंद। और इसमें जो शूट करूँगा दोस्तों ना वो हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी भी आदमी सुनना चाहे तो उसको सर्च करके सुन सकता है। अब आगे चलिए अभी आधा घंटा बैठेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी आ गए हम लोग, चलिए अभी एंट्री करके। एक तरीके से कहे तो हंसी उड़ा रहे हैं। नारद जी से कहते हैं, नारद जी के बगल में बैठ करके जोर से कहते हैं, आज माला को इसी दूल्हे को मिलेगी। अब महाराज नारद जी और फूले नहीं समा रहे कि अब तो आज अगल बगल बैठे लोग भी कह रहे हैं कि माला तो हम ही को पड़ेगी। नारद जी महाराज एकदम प्रसन्न है, उधर से विश्व मोहिनी आ रही है। नारद जी महाराज और चौड़े हो गए, इधर उधर ना देखे सीधे आकर के दोस्तों। सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, चलिए अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ कुछ लाना है, अभी भाई मंगा रही हैं लेके आता हूँ, और उसके बाद नहा धोवा के फिर देखते हैं कहाँ जा पाते हैं आज। फाइनली अभी चल दिए, एक दुकान में पूछा अभी जो मांगे हैं वो मिला नहीं है, दिखाऊँगा आपको क्या भाभी मांगी सुबह सुबह क्या बनाई गया। Oh, my God.
अभी घूम के आ गया, मिला नहीं, एक मंगाई थी भाभी सुबह जाइए भैया छुट्टी में बनाते हैं, लेकिन मिला नहीं। चलिए अभी चलते हैं दूसरा कोई सब्जी बनाया जाए। आ गया अभी फाइनली अपने साइड पे, आप देखते हैं आज कहाँ जा पाएंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आज जितना इसके पहले वाला ब्लॉग में प्यार दुलार आशीर्वाद मिला था, इससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि इस ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जगह घूम के बनाया हूँ। और ऐसी कमेंट करा, हौसला बढ़ाइए, इससे भी अच्छे अच्छे जगह बनाएंगे। अकेले बनाने में थोड़ा धीरे धीरे आदत लग रहा है, तो अपना आशीर्वाद ऐसे बनाएंगे। फाइनली आ गया साइड पर, नहा लेते हैं और उसके बाद रेस होकर फिर कहीं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, कैसा लगा जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, इस चैनल को और आगे बढ़ाइए, इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाएंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक 1632, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद।